और मोहर्रम की गाइडलाइन हमें मालूम है। इन्होंने कहा कि वो हम ये चाहते हैं कि जो पिछले साल जिस तरह से हुआ है उसी तरह से इस साल भी हो। पिछले साल जो है वो तालियां रखने की इजाज़त दी गई थी, इस साल भी तालियां फरोख्त करने की और रखने की इजाज़त दी जाए। और उसके अलावा ये कि वो एक और दो आदमियों की इजाज़त थी कि तालियां, क्योंकि जुलूस मना है, एक आदमी दो आदमियों का निकलना मना नहीं है। तो और ताजिया जो हमारे यहाँ दफ्न होता है आशूर के दिन, वो एक या दो आदमी घर के लोग होते हैं, उसको ले जाते हैं, कोई सर पर लेकर के ले जाता है, कोई रक्षे पर जा रहा है वो ले जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी पर ले जा रहा है, तो उसको तो जुलूस नहीं कहा जाएगा। तो उसको ना रोका जाए, हमारा डिमांड होगी कि अगर इक्का दुक्का लोग ताजिया अपने घर के लिए जा रहे हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो जाकर वहाँ दफ्न कर देंगे। वहाँ के ऊपर जुलूस कोई नहीं होगा, हमसे ज़्यादा कोविड की पाबंदी करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े लीडर पाबंदी नहीं कर रहे हैं मगर हम पाबंदी कर रहे हैं। मौलाना, क्या आज़ादी के 74 साल में सरकार द्वारा इस तरह की कभी कोई गाइडलाइन जारी हुई? कभी नहीं है, ऐसे जुमले आज तक मुहर्रम के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, अंग्रेजों ने इस्तेमाल नहीं किए। जो हमारे दुश्मन है, जो इस तरह की गाइडलाइन जो 74 साल में जारी नहीं हुई वो आज इस तरह की गाइडलाइन जो है वो जारी की। अब यही हमको मालूम करना है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो इसका मतलब है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए, शिया सुन्नी फसाद हो जाए। अगर उनकी पॉलिसी ये नहीं है तो इसके खिलाफ उनको कार्रवाई करना चाहिए। इसकी कार्रवाई से पता चल जाएगा कि उनकी पॉलिसी इसकी हिमायत में है या उनकी पॉलिसी इसकी मुखालिफ है। मौलाना साहब, ये हर साल 12 मार्च पे जब कुछ लोग जुलूस तबर्रा निकालने की मांग करते हैं, या बड़े बड़े बॉर्डर में जो विवादास्पद है जुलूस है उसके निकालने की मांग करते हैं, उसमें कई बार विवादास्पद बातें भी की जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो एक साहब हैं कि जो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं वही निकालते हैं तो इसका मतलब है वो भी उन्हीं की गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत निकालते हैं और वो जुलूस तबर्रा नहीं होता है, जुलूस मसे साहबा का नाम उसको देते हैं। कुछ लोग रिलीज आती है उसमें जुलूस तबर्रा भी लिखा होता है। नहीं, गलत है, जुलूस तबर्रा नहीं होता है, जुलूस मसे साहबा, क्योंकि वो कहते हैं इनको मसे साहबा की इजाज़त दी गई तो हमें भी मसे साहबा की इजाज़त दी जाए। तो जुलूस मसे साहबा अगर कोई तबर्रा का नाम उसको देता है तो गलत देता है, और वो भी अगर देता है तो यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का कोई एजेंट है वो जो ऐसा काम करता है।